रिटर्न करूँगा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के पदाधिकारी जितने भी प्राचार्य जितने भी प्रतिभागी जुड़े हैं सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करें। आदरणीय प्राचार्य महोदय, माननीय उपायुक्त महोदय, केंद्रीय विद्यालय संगठन वाराणसी संभाग, माननीय सहायक आयुक्त महोदय श्री विदयाल जी, केंद्रीय विद्यालय संगठन वाराणसी संभाग, निर्णायक मंडल के समस्त निर्णायक मंडल के सभी सदस्यगण, कार्यक्रम से जुड़े हुए केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य उपप्राचार्य एवं शिक्षकगण तथा केंद्रीय विद्यालय संगठन वाराणसी संभाग के जुड़े हुए सभी अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण, सबसे पहले मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के हमारे मुखिया माननीय उपायुक्त महोदय जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने केंद्रीय विद्यालय संगठन केंद्रीय विद्यालय चौपन को संभाग स्तरीय काव्य कवि सम्मेलन को आयोजित करने का हमें सुअवसर प्रदान किया है। इसी प्रकार मैं आभार प्रकट करता हूँ हमारे माननीय सहायक आयुक्त महोदय जी का, जिनके मार्गदर्शन में जिनके सहयोग से इस कार्यक्रम को हम अंतिम रूपरेखा दे पाए हैं। तो आप सभी का इस कवि सम्मेलन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों से आए हुए प्रतिभागीगण अपनी कविताएं लेकर के यहाँ पर उपस्थित हैं, और इसके पहले 26 तारीख की संध्या को हमारे तीन निर्णायक सदस्यों के द्वारा सभी कविताओं को सुना गया और उनमें से कुल 12 कविताओं का चयन किया गया है। आज उन्हीं 12 कविताओं के कवियों की जो है यहाँ पर जो है अंतिम प्रस्तुति यहाँ पर होगी। तो एक बार जो है पुनः मैं केंद्रीय विद्यालय चौपन परिवार की ओर से अपने माननीय उपायुक्त महोदय जी का, माननीय सहायक आयुक्त महोदय जी का, निर्णायक मंडल के सभी सदस्यों का, निर्णायक मंडल में शामिल हैं श्री श्रीधर पांडे जी प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय नंबर 4 वाराणसी, दूसरे हैं सुश्री अनामिका मैडम हिंदी अनुवादक केंद्रीय विद्यालय संगठन वाराणसी संभाग, और तीसरे सदस्य हैं श्री पीके मिश्रा जी उप प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय मनोरी प्रयागराज। पूरे विद्यालय परिवार की ओर से निर्णायक मंडल के सभी सम्मानित सदस्यों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो एक बार जो है मैं पुनः अपने माननीय सहायक आयुक्त महोदय जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में कि हमारे कार्यक्रम को गति प्रदान करें और अपने मार्गदर्शन जो है बनाए रखें। आपके ही मार्गदर्शन में आपके ही सहयोग से जो है इस कार्यक्रम को हम आगे प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अब जो है मैं आमंत्रित करता हूँ अपने विद्यालय के हिंदी PGT श्री जगदीश चौहान जी को कि वो आगे के कार्यक्रम को बढ़ाएँ। धन्यवाद सर। मैं आदरणीय उपायुक्त महोदय और सहायक आयुक्त महोदय दोनों का करबद्ध यहाँ पर निवेदन करता हूँ कि आज के मैं इस कार्यक्रम के लिए महोदय से घोषणा की विनती करता हूँ कि आज के कार्यक्रम की के शुभारंभ करने की घोषणा करें। आदरणीय उपायुक्त सहायक उपायुक्त महोदय, हाँ, अभी
ऐसा मालूम चलता है कि हमारे कुछ अपरिहार्य कारणों से हमारे उपायुक्त महोदय जी अभी कार्यक्रम में नहीं जुड़ पाए हैं। हमारे बीच में हमारे आदरणीय सहायक आयुक्त महोदय श्री विष्णु दयाल जी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मैं आपसे सर अनुरोध करता हूँ कि आज के कार्यक्रम के शुभारंभ की घोषणा करें। माननीय सहायक आयुक्त महोदय जी, आवाज आ रही सर? जी सर। धन्यवाद बच्चन प्रसाद जी और समस्त आदरणीय हमारे प्राचार्यगण, शिक्षकगण और हिंदी अनुवादक, हिंदी अधिकारी अनामिका मैडम और जो लोग भी जुड़े हुए, सभी को पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मन बनाया। अगर आप लोग सम्मिलित नहीं होते तो कार्यक्रम तो प्राप्त हो जाता नहीं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कार्यक्रम में जब जुड़ रहे थे तो मैं शैलेंद्र कुमार जी की और रामविलास जी की वार्ता सुन रहा था, बड़ी प्यारी और चुटीली वार्ता चल रही थी परस्पर। और ऐसे अवसरों को ऐसी बातों से अगर सजाया जाता है तो और अच्छा भी लगता है। और मेरा निवेदन है कि ऐसे अवसर जब मौका मिले हम लोग आपस में पैदा करते रहे, जीवन का रस और आनंद इसी से बढ़ता है और हम एक दूसरे को जानते हैं। कई बार छुपी हुई प्रतिभाएं होती हैं, जब उनको कोई मंच मिलता है तो निखरने का और अवसर मिलता है, नहीं तो सब कुंठित हो जाती है। तो चलिए एक छोटे से छंद के साथ मैं कार्यक्रम के शुरुआत की, जैसा कि बच्चन प्रसाद जी ने कहा है, अनुमति के लिए तो अनुमति देता हूँ। छंद बड़ा समसामयिक है। कवियों के इस मंच पर कविगण मंचासीन, कुछ तो मन मस्त है पर कुछ अति गमगीन, पर कुछ अति गमगीन, सोचते क्या गति होगी भैया, डीसी एसी पार करेंगे या आज डूबेगी नैया, सब शंका संकोच छोड़ दिल से गइयो हे भैयो, ये मेरा निवेदन है। सब शंका संकोच छोड़ दिल से गइयो हे भैयो, भैयो ज्ञान मान सम्मान साथ साथ रख, आगे बढ़ियो सब कवि। बहुत बहुत धन्यवाद और कार्यक्रम शुरू किया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय, आपके इस आशीर् वचन से हम अब अपने कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। अब हम लोग कवि सम्मेलन के तरफ चलते हैं। हमें जो प्राप्त हुई है सूची कवियों की, उस सूची में सबसे पहले श्री आकाश जायसवाल, प्राथमिक शिक्षक बमरौली प्रयागराज जी की कविता सर्वप्रथम हम लोग सुनेंगे। श्री आकाश जायसवाल जी, प्राथमिक शिक्षक बमरौली प्रयागराज। मैं एक बार निर्णायक मंडल के सदस्यों के लिए एक बार निश्चित करना चाहता हूं कि सर लोग जुड़ चुके हैं। श्री श्रीधर पांडे सर, प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय नंबर 4 वाराणसी जी। सर जी, सर आप उपस्थित हैं? जी सर उपस्थित है। जी सर स्वागत है सर। सुश्री अनामिका, धन्यवाद। सुश्री अनामिका मैम, हिंदी अनुवादक विद्यालय वाराणसी संभाग। श्री पी के, जी आपका स्वागत है मैम। श्री पी के मिश्रा सर, उप प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय मनोरी प्रयागराज। हाँ सर। जी सर आपका भी स्वागत है सर। तो सर हम लोग अपनी जो सूची है उसमें से सबसे पहले आकाश जायसवाल जी की कविता को सुनेंगे। प्राथमिक शिक्षक हैं बमरौली प्रयागराज से। तो सर आप अपनी कविता प्रारंभ करें। आकाश जायसवाल सर। आकाश जायसवाल जी आप हमारी आवाज़ सुन रहे हो? हमारी आवाज़ पर जी जी तो परम आदरणीय उपायुक्त सर, निर्णायक मंडली के तीनों सदस्यगण, सभी प्राचार्यगण और इस कवि सम्मेलन में शामिल
सभी हमारे शिक्षक साथियों को मैं आकाश जायसवाल केंद्रीय विद्यालय एफएस मुंगरौली से प्रणाम व्यक्त करता हूं। मैं बहुत ही अभी केंद्रीय विद्यालय में मुझे जुड़े केवल 3 वर्ष ही हुए हैं और मुझे लगता है कि मैं बहुत ही युवा इसमें कवि के तौर पर शामिल हुआ हूं, इसलिए मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया। मैं धन्यवाद करता हूं और अभी उपायुक्त महोदय का आशीर्वाद बच्चन मुझे टॉय बेस पेडागॉजी जो कि बरेका केंद्रीय विद्यालय में आयोजित था उसमें भी मुझे मिला। मैं धन्यवाद करता हूँ सर का। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी कविता शुरू करता हूँ। बस इसमें कुछ मैं बात बता देता हूँ। इस कविता का तक है वो कोशिश तो कर है। यह कविता मैंने बच्चों के लिए लिखी है क्योंकि मैं शिक्षक हूँ और शिक्षक का जो कर्तव्य है वो शिक्षा देने के अलावा बच्चों को प्रोत्साहन देना भी होता है। तो ये कविता बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए है, विशेषतः जो बच्चे एग्जाम में बैठते हैं उनके लिए है। तो मैं अपनी कविता शुरू करता हूँ। आसमां से ऊंची होगी तेरी उड़ान, तू उड़ने की कोशिश तो कर। सबसे अलग होगी तेरी पहचान, तो कुछ बनने की कोशिश तो कर। तू बन जाएगा एक अक्षर, तू वर्ण बनने की कोशिश तो कर। तू बन जाएगा एक अर्थपूर्ण शब्द, अक्षर बनने की कोशिश तो कर। तू बनेगा किसी कविता की सुंदर पंक्तियां, तू शब्द बनने की कोशिश तो कर। तेरे ऊपर भी लिखी जाएंगी किताबें, तेरे ऊपर भी लिखी जाएंगी किताबें, तू बस पंक्तियां बनने की कोशिश तो कर। सागर जैसा हो जाएगा तू भी विशाल, अरे बूंद बनने की कोशिश तो कर। हाथी जैसा हो जाएगा तू भी बलवान, अरे चींटी बन भार उठाने की कोशिश तो कर। सूरज जैसा तेरा भी होगा प्रकाश, सूरज जैसा तेरा भी होगा प्रकाश, तू दिया बन जलने की कोशिश तो कर। चाहे कितनी बार भी गिरे संभल जाएगा तू, बस हर बार उठकर चलने की कोशिश तो कर। हाँ तू कोशिश कर सुनना क्या सुनना चाहता तू, तालियों की गनगनाहट। सुनना क्या सुनना चाहता तू, तालियों की गनगनाहट। बनाना हाँ बना सफलता को अपनी चाहत, राहत हाँ राहत ना लेने की तू रश्मे कर। तू कोशिश कर हाँ देख सपने तू ऊंचे ऊंचे, हाँ देख सपने तू ऊंचे ऊंचे। चाहे जमाना तुझे कितना भी रोके टोके, बस तेरे कंधे कभी ना झुके और बढ़ते कदम तेरे कभी ना रुके। तारीफ सुनकर तू ना अपने पेट को भर, तू कोशिश कर हाँ याद कर अपने सपने को उम्मीदें पाले तेरे अपने को। लिख ले वो दिन जरूर आएगा जब दिल में होगी तेरी खुशियां और आंखें भर आएगा। रोना ना चाहे कितनी भी लगे तुझे ठोकर, तू कोशिश कर। धन्यवाद सभी। धन्यवाद सर, बहुत अच्छी कविता आपकी रही, आपके अच्छे प्रयास थे। मैं अब अगली कड़ी में प्रशांत शुक्ला जी प्राथमिक शिक्षक आयर वाराणसी को आमंत्रित करूंगा। प्रशांत शुक्ला प्राथमिक शिक्षक आयर वाराणसी। प्रशांत शुक्ला माइक ऑन कर लीजिए सर, मेरी आवाज वो गलती से जी मिल गई आवाज मिल रही सर, मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही सर। परम आदरणीय उपायुक्त महोदय, सहायक आयुक्त महोदय, निर्णायक मंडल के सभी सदस्यों एवं आदरणीय सभी प्राचार्यों को शुभ संध्या। मैं प्रशांत शुक्ला केवी आयर वाराणसी से आपके सम्मुख अपनी कविता विक्षमता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ।
ये कविता बहुत ही सरल शब्दों में है और इसमें कोशिश की है मैंने कि किस तरह से जो हमारे समाज में एक विषमता व्याप्त है, जो हमारी सामने देखी हुई है और लगभग रोज हम उसे कहीं ना कहीं महसूस करते हैं, तो आप सभी इस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। एक दिन मौका मिला मुझे साथी के घर जाने का, हतप्रभ सा मैं रहा देखता दोहरा ढंग जमाने का। एक छोटी लड़की गिलास में लेकर दूध खड़ी थी, 5 बरस की होगी शायद या कुछ और बड़ी थी। मैं बोला पी ले इसको वरना कुछ पड़ जाएगा, वह बोली कैसे पी सकती भैया लड़ जाएगा। मैं लड़की हूँ मुझे दूध की नहीं जरूरत पड़ती, घास फूस के जैसे लड़की बिना परवरिश बढ़ती। तुम्ही बताओ अंकल क्या कोई पीपल भी बोता, तुम्ही बताओ अंकल क्या कोई पीपल भी बोता। दूध चना बादाम नहीं लड़की की खातिर होता, दूध चना बादाम नहीं लड़की की खातिर होता। मुझे विवश कर दिया, कशिश ऐसी थी उस आवाज में, लगा सोचने अरे विषमता इतनी क्यों समाज में। कि पुत्र जन्म होते ही घर में हुआ खुशी का पहरा, कन्या का पैदा होना आघात समझते गहरा। पुत्र जन्म होते ही घर में हुआ खुशी का पहरा, कन्या का पैदा होना आघात समझते गहरा। अरे वास्तव में बर्बरता नर की खूब रही है, अरे वास्तव में बर्बरता नर की खूब रही है। माँ के उधर से रोड तलक लड़की महफूज नहीं है, माँ के उधर से रोड तलक लड़की महफूज नहीं है। सोच मनुज यह प्रकृति भला क्या तुझको माफ करेगी, पछताएगा निज करने पर जब इंसाफ करेगी। सेवा करते भी स्वीकारा जिसने सरहद में रहना, सेवा करते भी स्वीकारा जिसने सरहद में रहना। सोचो क्या है गलत ना होगा उसे पराया धन कहना। एक नारी के विविध रूप को देख हंसी आती है, एक नारी के विविध रूप को देख हंसी आती है। पत्नी माँ सब चाह रहे बेटी ही नहीं भाती है। खाने पीने पढ़ने में लड़का करता मनमानी, खाने पीने पढ़ने में लड़का करता मनमानी। लड़की केवल देख सके आंखों में भरकर पानी, खाने पीने पढ़ने में लड़का करता मनमानी, लड़की केवल देख सके आंखों में भरकर पानी। एक बहुत ही सुंदर पंक्ति है गौर करने वाली, 20 बरस की लड़की जब जाए लाने पानी को, 5 साल का लड़का जाता उसकी निगरानी को। ये हमारे ग्रामीण अंचल का एक सत्य है कि 20 वर्ष की लड़की जब जाए लाने पानी को, 5 साल का लड़का जाता उसकी निगरानी को। राज कहे दुनिया वालों का मन निर्मल कर डालो, राज कहे दुनिया वालों का मन निर्मल कर डालो, बाल विवाह भ्रूण हत्या को मन से तुरंत निकालो। इस दहेज रूपी पिशाच की कर दो वोटी वोटी, ताकि इसकी भेंट चढ़े ना कोई गरीब की बेटी। सृष्टा की इस अनुपम रचना को अब तो पहचानो, सृष्टा की इस अनुपम रचना को अब तो पहचानो। नारी के उत्थान हेतु संकल्प हृदय में ठानो, कैसे भी पर एक बार यदि नारी संबल पाती, कैसे भी पर एक बार यदि नारी संबल पाती, किंचित पुरुष सहारा देता अबला ना रह जाता। कैसे भी पर एक बार यदि नारी संबल पाती, किंचित पुरुष सहारा देता अबला ना रह जाती। थोड़ा एक मार्मिक यहाँ पर पंक्ति है, अगर वासना के भूखे भेड़िए शर्म कर जाते, अगर वासना के भूखे भेड़िए शर्म कर जाते, नहीं कृत्य फिर होते ऐसे जो दिल को दहलाते। अगर वासना के भूखे भेड़िए शर्म कर जाते, नहीं कृत्य फिर होते ऐसे जो दिल को दहलाते। विश्व गुरु भारत बन जाता कहती वसुधा सारी, विश्व गुरु भारत बन जाता कहती वसुधा सारी। काश भोग्या से फिर ममता मैं बन जाती नारी, काश भोग्या से फिर ममता मैं बन जाती नारी। धन के लालच में घर वाले बनते कभी नशा, धन के लालच में घर वाले बनते कभी नशातिर, नहीं जलाई जाती सरबा फिर दहेज की खातिर। धन के लालच में घर वाले बनते कभी नशातिर, नहीं जलाई जाती सरबा फिर दहेज की खातिर। किसी नवोढ़ा की काया फिर जलती नहीं चिता पर, किसी नवोढ़ा की काया फिर जलती नहीं चिता पर, फिर शायद कोई लड़की न बनती बोझ पिता पर, फिर शायद कोई लड़की न बनती बोझ पिता पर। धन्यवाद।
ये मेरी कविता थी इस प्रकार। मैंने पूछी थी कि बहुत अच्छी कविता रही आपकी, आपकी जो प्रस्तुति है शब्दों के द्वारा आपने सबके हृदय तक पहुंचने का प्रयास किया। मैं अगले प्रतिभागी के रूप में श्री मनीष कुमार पांडे TGT सामाजिक विज्ञान पंडित दीनदयाल नगर चंदौली को आमंत्रित करता हूं। मनीष कुमार पांडे सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर जी, सहायक आयुक्त केंद्रीय विद्यालय संगठन वाराणसी संभाग, विभिन्न विद्यालयों के प्राचार्यगण, उप प्राचार्यगण, नीर छिर विवेकी निर्णायक मंडल और मेरे साथ इस कवि सम्मेलन में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों, ये बहुत अच्छा अवसर है कि हमें इस तरह का अवसर प्राप्त हुआ कि हम अपनी प्रतिभाओं को अपने अधिकारियों के समक्ष, अपने साथियों के समक्ष रख सके। मैं इसके लिए सहायक आयुक्त महोदय को कोटिशा धन्यवाद दूंगा। और साथ ही साथ जो मेरी कविता है, कैसे भला तरक्की होगी, कैसे भला तरक्की होगी, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसके आगे कुछ प्रश्न मन में रखते रहते हैं जब हम अपने देश की स्थिति, समाज की स्थिति और खास तौर पे आज के युवा की स्थिति देखते हैं, तो उन्हीं को इंगित करते हुए ये मेरी कविता और उन्हें सामर्थ्यवान बनाने के लिए एक संदेश है इस कविता में, जो मैं आपके सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। कैसे भला तरक्की होगी लगन नहीं जब काम में, उम्र कीमती बीती जाए आलस में आराम में, उम्र कीमती बीती जाए आलस में आराम में, आज नशे में चूर जवानी इतना खिलाती है, और वृथा के रस रंगों में अपनी शक्ति गवाती है, नहीं सूझता अंतर जिसको, नहीं सूझता अंतर जिसको, सुबह दोपहर शाम में उम्र कीमती बीती जाए आलस और आराम में, उम्र कीमती बीती जाए आलस और आराम में, कम मेहनत का काम खोद देते अपना धंधा छोड़ दिया, सहजा बोले भी अपने को बेकारों में जोड़ दिया, गति विकास की रुकी हुई है, गति विकास की रुकी हुई है, हर बस्ती हर ग्राम में की बीती जाए आलस और आराम में, की बीती जाए आलस और आराम, आमदनी कम खर्चे ज्यादा मिट जाने का काम यही, कर्जे लेकर मौज मराना बर्बादी का नाम यही, इज्जत तो बिन मोल इज्जत को बिन मोल गई, चोट लगी नीलाम में, बीती जाए आलस और आराम में, कीमती बीती जाए आलस और आराम में, कर्तव्यों से दूर भागते करते, जो कुछ नहीं सुधर पाए वो लक्ष्यहीन दायित्व ही है, लक्ष्यहीन दायित्व है जीवन के संग्राम में, उम्र कीमती बीती जाए आलस और आराम में, बीती जाए
चांदी सितारों की दुनिया में हम कैसे पाएंगे, महाशक्तियों की सत्ता देश मुझे हमारा डूब गया है, मुझे हमारा डूब गया है, लोग मोहम्मद का अपने जाए आदत से हो गया अपने उम्र की मिट्टी भी जाए आदत से हो गया जागो जागो अरे जवान क्यों कोरे नादानी में तुम में है सामर्थ जिससे आग लगा दो ये एक कोई एक है कार्य क्षेत्र तो युद्ध क्षेत्र है उसे सामने उम्र की मिट्टी भी जाए अब बहुत अच्छा सर, बहुत बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर। और अब अगले प्रतिभागी के रूप में हम लोग गाजीपुर चलेंगे, श्री केशव सिंह पुस्तकालय शिक्षक गाजीपुर। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ सर। नमस्कार। परम आदरणीय केंद्रीय विद्यालय संगठन वाराणसी संभाग के उपायुक्त महोदय, सहायक आयुक्त महोदय, विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों के प्राचार्यगण, निर्णायक मंडल के सभी सदस्यों तथा इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले सभी शिक्षक साथियों को सादर नमस्कार। मैं केशव सिंह केंद्रीय विद्यालय गाजीपुर से अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कविता का शीर्षक है परिवर्तन। एक गांव की रहने वाली बेटी अपने माँ से अपने दर्द को बयां करते हुए कहती है कि अरे माँ, तुम तो अपनी जिंदगी किसी तरह जीवन बसर कर ली, मैं जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। कविता इस तरह है। मैं भी पढ़ने जाऊंगी माँ, घर में कैद नहीं करना। मैं भी पढ़ने जाऊंगी माँ, घर में कैद नहीं करना। चूल्हा चौका झाड़ू तक जीवन बर्बाद नहीं करना। उम्र हमारी अभी न बोझ उठाने की, उम्र हमारी अभी नहीं है घर का बोझ। क्या हुआ सर? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है सर, आप सर रीज्वाइन कर लें। केशव सर आप रीज्वाइन कर लें, आपकी आवाज नहीं आ रही है। श्रीमान पुनः ज्वाइन करें। केशव सर आवाज आपको हम लोगों की सुनाई दे रही है? बंद किया सर। अब हम लोग
हाँ, अभी कुछ तकनीकी कारणों से श्री केशव सिंह जी की कविता अभी यहाँ प्रस्तुत हो रही थी, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से जो है वो अपनी पूरी कविता नहीं यहाँ पर प्रस्तुत कर पाए हैं। तो तब जब तक वो अपना फिर से जो है उसमें जुड़ते हैं, तब तक जो है आगे के प्रतिभागी को यहाँ पर बुला लिया जाता है और वो अपनी कविता प्रस्तुत करेंगे और एक बार फिर से जो है उन्हें दूसरी बार आमंत्रित दिया जाएगा। तो अगले प्रतिभागी के रूप में गुलाब चंद मिश्र TGT कार्य अनुभव NTPC रिहन नगर को मैं आमंत्रित करूँगा। GC मिश्रा सर। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। सॉरी सर, नेटवर्क का प्रॉब्लम था। अच्छा सर, मैं कविता सुनाने सर फिर से सुनाना चाहता हूँ। ठीक है सर, आप कंटिन्यू करें सर, जहाँ से आप खड़े थे वहाँ से कंटिन्यू करें सर। फिर से सर शुरू कर देता हूँ। ठीक सर जी, शुरू करें। शुरू से करवा देंगे सर। शुरू से करते हैं सर। ठीक सर जी, कविता ही पढ़े, परिचय हो गया है आपका। ठीक है सर जी। कविता का शीर्षक सर परिवर्तन है, मैं सुना रहा हूं। मैं भी पढ़ने जाऊंगी माँ, घर में कैद नहीं करना, चूल्हा चौका झाड़ू तक जीवन बर्बाद नहीं करना। उम्र हमारी अभी नहीं है घर का बोझ उठाने की, उम्र हमारी अभी नहीं है घर का बोझ उठाने की, बचपन में ही ब्याह रचा के जीवन भर पछताने की, सदियों बीती हमको रोते पढ़ने मायब जाने दो, सदियों बीती हमको रोते पढ़ने मायब जाने दो, शिक्षा शक्ति हमें पाने दो, जुल्मों से टकराने दो, शिक्षा शक्ति हमें पाने दो, जुल्मों से टकराने दो, हाल तुम्हारा नहीं छिपा माँ, आंसू पी क्यों जीती हो, हाल तुम्हारा नहीं छिपा माँ, आंसू पी क्यों जीती हो, वही सोच मेरे बारे में चुपके रोती हो, वही सोच मेरे बारे में चुपके रोती हो, कैद रहिया जीवन तुम हमको मुक्त विचरने दो, कैद रहिया जीवन तुम हमको मुक्त विचरने दो, सदियों का सिलसिला तोड़ कर आज हमें माँ पढ़ने दो, सदियों का सिलसिला तोड़ कर आज हमें माँ पढ़ने दो, मैं हूँ रूप तुम्हारा माँ, मुझे कोई इनकार नहीं करना, मैं हूँ रूप तुम्हारा माँ, मुझे कोई इनकार नहीं करना, हमको अंधकार में रख खुद को बर्बाद नहीं करना, हमको अंधकार में रख खुद को बर्बाद नहीं करना। मैं भी पढ़ने जाऊंगी माँ, घर में कैद नहीं करना,
चूल्हा चौका झाड़ू तक जीवन बर्बाद नहीं करना, चूल्हा चौका झाड़ू तक जीवन बर्बाद नहीं करना। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी कविता बहुत ही सराहनीय रही। तकनीकी कारणों से थोड़ा सा विलंब हुआ लेकिन फिर भी बहुत अच्छा रहा सर। अब मैं अगले प्रतिभागी के रूप में गुलाब चंद मिश्र TGT कार्य अनुभव NTPC रिहन नगर को आमंत्रित करूंगा। सर आप अपनी कविता का पाठ करें। सर मैं वाराणसी संभाग आयुक्त महोदय, सहायक आयुक्त महोदय, समस्त केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य गण, निर्णायक मंडली, हमारे साथ के कविगण एवं समस्त श्रोतागण सर हृदय नमस्कार करता हूँ। सर मैं अपनी वास्तविकता यथार्थ रूप में स्वरचित आप सभी को समर्पित करने जा रहा हूं। वास्तविकता यह एक यथार्थता है जो हम सबकी है, हम सबके बीच में है। सर व्यक्ति की पहचान जल कपड़े से होती है, मंच की शोभा जहाँ पर्दे से होती है, जिंदगी नैपथ्य की क्या खाक देती है, दर्शकों की आंख में बस फूल पड़ती है। आवरण का भार भी कोई भार होता है, रूप का श्रृंगार कैसे रूप देता है, देख लो दर्पण में अपना रेशमी चेहरा, आईना भी आपसे कुछ झूठ करता है। अंदर से बाहर देखना आसान है कितना, बाहर से अंदर देखना दुश्वार होता है। प्रेम की भाषा अभी तक क्या रखा किसी ने, यह तो सहज स्वीकार से आभास होता है। बीते दिनों की याद अब मुझको सताती है, जिंदगी लगती है जैसे दूर जाती है। अपने सफर की राह में कहीं मोड़ है नहीं, देखो क्षितिज की दूरियां बढ़ती ही जाती है। सत्य की आवाज को पहचानता है कौन, जो स्वार्थ के शब्दार्थ में स्वीकार है, या फिर वही जिसके लिए यह सत्य सीधा सा सरल स्वीकार है। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद श्रीमान। अब अगले प्रतिभागी के रूप में श्री अमित कुमार सिंह TGT हिंदी चित्रकूट को मैं आमंत्रित करूंगा। अमित कुमार सिंह सर चित्रकूट से। अमित सर मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? जी सर आवाज़ आ रही है आपकी। जी परम आदरणीय उपायुक्त महोदय, सहायक आयुक्त महोदय, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। जी सर परम आदरणीय उपायुक्त महोदय, सहायक आयुक्त महोदय, विभिन्न विद्यालयों से जुड़े प्राचार्यगण, निर्णायक मंडल के सभी सदस्य, विभिन्न विद्यालयों के विद्वान शिक्षक साथी, आप सभी को शुभ संध्या, मेरा सादर प्रणाम। आज मुझे यह शीर्षक प्राप्त हुआ कि मैं अपनी स्वरचित कविता यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे कविता का जो शीर्षक है वह है जीवन। मैं अपनी कविता प्रारंभ करता हूं। इस भाव सागर के आंगन में कुछ जाने और अनजाने में, इस भाव सागर के आंगन में कुछ जाने और अनजाने में हमने ऐसा काम किया जिसका है कोई मोल न था।
माया ने ऐसा भरमाया, दो पाटों से है निकल न पाया। माया ने ऐसा भरमाया, दो पाटों से है निकल न पाया। खैर भरी आत्मा तृप्ति से, फिर भी कुछ खाली पंसा था। जीवन को ऐसे जीना है, जीवन को वैसे जीना है। ऐसी बातों को लिए हुए पूरा जीवन फिर बीत गया। यह जीवन कोई जीना है जिसमें ना कोई हीना है। रंगों और तरंगों से जीवन में एक मूर्त गढ़नी थी। रंग तरंग का पता नहीं जीवन काली स्याह बना। खुद को उजला करने को नई राह पर चल है पड़ा। खुद को उजला करने को नई राह पर चल है पड़ा। कुछ दूर है जब मैं निकल गया, कुछ दूर है जब मैं निकल गया। मुख से कुछ ऐसा निकल गया, है वही रास्ता फिर से, है वही रास्ता फिर से एक नई कहानी लिखने को। मैंने मुख से कुछ ना बोला, है जीवन तो एक झेलम झेला। इसमें जो है संभल गया, मंजिल भी उसको मिल ही गई। अथक प्रयास का मिला नतीजा, जो थी जीवन की चाह बनी। मंजिल मंजिल करता था, मंजिल है मेरे पास खड़ी। मंजिल मंजिल करता था, मंजिल है मेरे पास खड़ी। अहो अहो अभाग्य मेरा देखो, मैं हूं जिसको ढूंढ रहा। अहो अभाग्य मेरा देखो, मैं हूं जिसको ढूंढ रहा। मेरे पास में खड़ा हुआ, मेरे पास में खड़ा हुआ मुझ पर अट्टहास करता था। मेरे पास में खड़ा हुआ मुझ पर अट्टहास करता था। अरे मूर्ख, अरे मूर्ख क्या खोज रहा, जब मैं हूं तेरे साथ खड़ा। उठ उठ जगा स्वयं के पौरुष को, स्वर्णिम जीवन मिल जाएगा। उठ जगा स्वयं के पौरुष को, स्वर्णिम जीवन मिल जाएगा। दिल में जो तेरे चाह भरे, उसे पूर्ण है करने आया, उसे पूर्ण है करने आया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा रहा। अब हम अगले प्रतिभागी के रूप में राम विलास सर को सुनेंगे, पीजीटी हिंदी इफ्को फूलपुर प्रयागराज। परम श्रद्धेय उपायुक्त महोदय, रसमर्मज्ञ सहायक आयुक्त महोदय, संयोजक प्राचार्य महोदय श्री प्रसाद सर और निर्णायक मंडल में सम्मिलित सुविज्ञ प्राचार्यगण और इस काव्य संध्या में उपस्थित जगमगाते कविगण, आप सभी को रामविलास केंद्रीय विद्यालय इफ्को फूलपुर का सत सत नमन। सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी आपकी आवाज आ रही सर। सर मेरी कविता का शीर्षक है सभ्यता। सभ्यता की खाल ओढ़े आदमी, सभ्यता की खाल ओढ़े आदमी जब उभर जाता है कभी, दिख जाता है बनैला रूप उसका, विवश करता सोचने पर है कभी, विवश करता सोचने पर है तभी। दीर्घायु सभ्यता की यात्रा में मृत खाल ही क्या खोज पाए हैं अभी तक। दीर्घावधि सभ्यता की यात्रा में मृत खाल ही क्या खोज पाए हैं अभी तक। जल रहे इस प्रश्न को डालते रह जाएंगे फिर कब तक। आधी अधूरी मनुष्यता से चांद पर रखना कदम सब व्यर्थ होगा। आधी अधूरी मनुष्यता से चांद पर रखना कदम सब व्यर्थ होगा। चमत्कारी खोज भी विज्ञान की, वानरों के हाथ में यह उस्तरा होगा, वानरों के हाथ में यह उस्तरा होगा। उस तरह तो हाथ में उस व्यक्ति के पकड़ाइए जो कर सके उपयोग सत्य। मत वानरों के हाथ देकर नाक को कटवाइए, मत वानरों के हाथ देकर नाक को कटवाइए। आदमी यदि आदमी को मार कर जीवित रहा तो क्या जिया, आदमी यदि आदमी को मार कर जीवित रहा तो क्या जिया। लील जाए मनुष्यता को शक्ति यदि परमाणु की, विज्ञान ने यह खोज कर ही क्या। लील जाए मनुष्यता को शक्ति यदि परमाणु की, विज्ञान ने यह खोज कर भी क्या किया। अंध संदोहन प्रकृति का रोग मानो,
अंध संदोहन प्रकृति का रोग मानो, तुच्छ स्वार्थों के लिए मत होड़ लो। सूखते हैं जा रहे सब स्रोत जल के, सूखते हैं जा रहे सब स्रोत जल के, निर्वसन होती धरणी का सुख देख लो, निर्वसन होती धरणी का सुख देख लो। सुख संपदा की खोज में यह आदमी, सुख संपदा की खोज में यह आदमी बेतहाशा भागता है जा रहा, देखता मुड़कर नहीं फिर भी रात दिन का चैन होता जा रहा। पत्थरों पर फूल को जैसे खिलाकर, पत्थरों पर फूल को जैसे खिलाकर विज्ञान ने अद्भुत अजूबे कर दिखाए, पत्थरों पर फूल को जैसे खिलाकर विज्ञान ने अद्भुत अजूबे कर दिखाए। आकाश के तारे दिए हैं तोड़कर, आकाश के तारे दिए हैं तोड़कर, लोग फिर भी जिंदगी से खूब घबराए। रोक अंधी दौड़, रोक अंधी दौड़, अब तो आदमी को जिंदगी को ठीक गति देनी पड़ेगी। रोक अंधी दौड़, अब तो आदमी को जिंदगी की को ठीक गति देनी पड़ेगी। शांति और सौहार्द की स्थापना में स्वार्थ पशु की बलि हमें देनी पड़ेगी, स्वार्थ पशु की बलि हमें देनी पड़ेगी। पीढ़ियों के लिए बेहतर विश्व देना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, पीढ़ियों के लिए बेहतर विश्व देना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। सृष्टि के में हलचल मचे मत, सृष्टि में हलचल मचे मत, पूर्व ही यह विगत बुद्धि उलझ जानी चाहिए। सृष्टि में हलचल मचे मत, पूर्व ही यह विकट बुद्धि उलझ जानी चाहिए, यह विकट बुद्धि उलझ जानी चाहिए। धन्यवाद। मैं आदरणीय सहायक आयुक्त महोदय के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करवाया और अपने भावों को व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान किया, और हम अपेक्षा करते हैं कि भविष्य में भी इस तरह के आयोजन होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब अगले प्रतिभागी के रूप में शैलेंद्र कुमार त्रिपाठी सर, TGT हिंदी, FCI गोरखपुर। आज आप पूजा कर लीजिए, पूजा के लिए टाइम मिल जाएगा तो कर लेंगे, नहीं पूजा कर लेंगे। सर वहीं रह जाती है तो अच्छे होगा। चौहान सर जी, सर सर जिन लोगों का माइक ऑन है सर कृपया ऑफ कर लें, क्योंकि आवाज़ उधर से आ रही है। चंदन प्रसाद सर आप भी अपनी माइक ऑफ कर लें। शुरू करें सर। जी सर आप शुरू करें। जी सर शुरू करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज इस कवि सम्मेलन संस्था के सभी शीर्ष पुरुष, मैं एक शब्द नहीं कहना चाहता हूँ, सभी शीर्ष पुरुष हिंदी सेवी जनों को मेरा प्रणाम। मैं शैलेंद्र कुमार त्रिपाठी, केंद्रीय विद्यालय FCI गोरखपुर में हिंदी TGT के तौर पर कार्यरत हूँ। चौहान सर वहाँ गलती से PGT लिखा गया है। जी सर मैंने TGT आपको घोषित कर दिया हूँ। अभी मेरे से पहले मेरे कई साथी अपनी कविताएं लेकर यहाँ उपस्थित थे, जिसमें एक लड़की के पढ़ने का जो जद्दोजहद है, शिक्षा ग्रहण करने का, उसके बाद भी और बेरोजगारी से निपटने के लिए बात हुई, तो मैं एक कविता लेकर आज प्रस्तुत हूँ जो इन सभी के लिए इन सभी समस्याओं से निपटने का काम करेगी। बेसिकली ये कविता मैंने एक विशेष प्रयोजन से लिखी है, विद्यालय में बच्चों को उत्साहित करने के लिए जब उनका एग्जाम आ जाता है बोर्ड का, ऐसे मौकों पर जब वो निराश हो जाते हैं, तो मैं अपनी ये कविता अपने सभी शीर्ष पुरुष और निर्णायक मंडल का ध्यान आकर्षित करते हुए प्रस्तुत करना चाहता हूँ।
प्यारे अब घबराना कैसा, प्यारे अब घबराना कैसा, मुश्किल से डर जाना कैसा, प्यारे अब घबराना कैसा। उठा धनुष चंकार सुना दे, उठा धनुष चंकार सुना दे, चट्टानों की नींव हिला दे, मकरंदों की पगडंडी से आगे बढ़ सुस्ताना कैसा, प्यारे अब घबराना कैसा, मुश्किल से डर जाना कैसा। लक्ष्य कठिन है ध्यान लगा दे, लक्ष्य कठिन है ध्यान लगा दे, दुविधा के दरम्यान मिटा दे। लक्ष्य कठिन है ध्यान लगा दे, दुविधा और दरम्यान मिटा दे। संघर्षों के मग में पग धर चोटी चढ़, संघर्षों के मग में पग धर चोटी चढ़, हलताना कैसा, प्यारे अब घबराना कैसा, मुश्किल से डर जाना कैसा। कर्म है पूजा जान लड़ा दे, कर्म है पूजा जान लड़ा दे, मात पिता का मान बढ़ा दे। कर्म है पूजा जान लड़ा दे, मात पिता का मान बढ़ा दे। गुरु ज्ञान की खान जता कुछ मोती जड़, गुरु ज्ञान की खान जता कुछ मोती जड़। मनमाना कैसा, प्यारे अब घबराना कैसा, मुश्किल से डर जाना कैसा। तुंग पहाड़ों की बाधाएं, तुंग पहाड़ों की बाधाएं, सिंह दहाड़ों सा चढ़ जाएं। तुंग पहाड़ों की बाधाएं, सिंह दहाड़ों सा चढ़ जाएं। नदिया बन फिर टकराएं, नदिया बन फिर टकराएं। कर लो प्रण झुक जाना कैसा, प्यारे अब घबराना कैसा, मुश्किल से डर जाना कैसा। सूरज के तप से क्या सीखा, सूरज के तप से क्या सीखा, वसुधा की गति में क्या देखा। सूरज के तप से क्या सीखा, वसुधा की गति में क्या देखा। शिल्पी बन कुछ राग नए गढ़, शिल्पी बन कुछ राग नए गढ़। जमकर पढ़ थक जाना कैसा, प्यारे अब घबराना कैसा, मुश्किल से डर जाना कैसा। धन्यवाद सर, प्रणाम। धन्यवाद सर। प्यारे अब घबराना कैसा, मैं अगली कड़ी में एक निर्णायक मंडल से निवेदन करूंगा कि 9 नंबर पर ब्रजेश कुमार यादव सर का नाम छूट गया है, तो इनको लास्ट में 9 नंबर लिख करके सर उसमें नाम ब्रजेश कुमार यादव, TGT हिंदी, न्यू कैंट, प्रयागराज, जो रंग लेकर के अपनी कविता जिनका विषय है रंग प्रस्तुत होंगे। ब्रजेश कुमार यादव सर, TGT हिंदी, न्यू कैंट, प्रयागराज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आभासी रंग से हुए सहायक उपायुक्त महोदय, विभिन्न विद्यालयों से जुड़े प्राचार्य गण, विद्वत साथी एवं इस कवि सम्मेलन को सुन रहे सभी श्रोतागण को मेरा जोहार, मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं सहायक आयुक्त महोदय को साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसी परंपरा का शुरुआत किया है और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में यह आभासी मंच वास्तविक मंच में बदलेगा, यह हमें उम्मीद है। आज हम आप सबके समक्ष अपनी एक छोटी सी रचना लेकर उपस्थित हुआ हूं जिसका शीर्षक है रंग। यह रंग कलर का पर्याय नहीं है बल्कि हिंदी मुहावरा है, रंग जमाना यानी खाक जमाने के संदर्भ में लिखा गया है। यह कविता उन लोगों के लिए या उन बच्चों के लिए लिखा गया है जो अच्छे और बुरे के मध्य निर्णय नहीं कर पाते कि हम अच्छा है या बुरा है, उनके लिए यह कविता लिखी गई है। मैंने शब्दों को समेटने का प्रयास किया है और बहुत छोटी सी कविता है, मैं उस कविता को प्रस्तुत कर रहा हूं। इस रंग बिरंगी दुनिया में तुम्हें अपना रंग जमाना है, इस रंग बिरंगी दुनिया में तुम्हें अपना रंग जमाना है, श्याम श्वेत के चक्कर में तुम अपना वक्त गंवाना है, श्याम श्वेत के चक्कर में तुम अपना वक्त गंवाना मत। सादा होना यदि अच्छा है, सादा होना यदि अच्छा है, फिर रंगों का कोई मोल नहीं, फिर रंगों का कोई मोल नहीं। दुनिया कहने को गोल मगर रहते सब चौकोर में है,
दुनिया कहने को गोल मगर रहते सब चौकोर में है, भोले भाले लगने वाले मासूम से सब दिखने वाले, भोले भाले लगने वाले मासूम से सब दिखने वाले, तब अपना रंग बदलते हैं साथी को भी यह पता नहीं, भोले भाले लगने वाले मासूम से सब दिखने वाले, तब अपना रंग बदलते हैं साथी को भी यह पता नहीं, सच्चा कौन कौन है झूठा, सच्चा कौन कौन है झूठा, इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, सच्चा कौन कौन है झूठा, इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, अच्छा मित्र वही होता है, अच्छा मित्र वही होता है जो मौका ये परस्त नहीं है, अच्छा मित्र वही होता है जो मौका ये परस्त नहीं है, सांझ का झुरमुट सुबह का धुंध, सांझ का झुरमुट सुबह का धुंध, दोनों में सब धुंधला होता, सांझ का झुरमुट सुबह का धुंध, दोनों में सब धुंधला होता, एक बढ़े अंधेरा छाता एक छठे प्रकाश हो जाता, एक बढ़े अंधेरा छाता एक छठे प्रकाश हो जाता, अपना सूरज स्वयं उगाओ, अपना सूरज स्वयं उगाओ, चांद के जैसा नहीं बनाओ, शुरू शुरू में तपिश लगेगी, शुरू शुरू में तपिश लगेगी, फिर गर्माहट बनी रहेगी, फिर गर्माहट बनी रहेगी, पर निर्भरता से अच्छा है, पर निर्भरता से अच्छा है स्वयं को आत्मनिर्भर बनाओ, पर निर्भरता से अच्छा है स्वयं को आत्मनिर्भर बनाओ, आप जगे तो लोग जगेंगे, आप जगे तो लोग जगेंगे, आप पढ़े तो लोग पढ़ेंगे, आपके पीछे लोग पढ़ेंगे, आप जगे तो लोग जगेंगे, आप पढ़े तो लोग पढ़ेंगे, आपके पीछे लोग पढ़ेंगे, इन लोगों से मत घबराना, इन लोगों से मत घबराना, अपना रंग स्वयं जमाना, अपना रंग स्वयं जमाना, अपने हुनर का लोहा मनवाना, अपने हुनर का लोहा मनवाना। धन्यवाद। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छी प्रस्तुति आपकी रही। अब मैं यश के पाठक सर पीजीटी हिंदी 39 जीटीसी वाराणसी को आमंत्रित करूंगा। यश के पाठक सर, सुरेंद्र कुमार पाठक सर, धन्यवाद जी सर। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आप आवाज आ रही है सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। परम आदरणीय उपायुक्त महोदय, परम आदरणीय सहायक आयुक्त महोदय, सम्माननीय प्राचार्य वृंद, प्रबुद्ध निर्णायक वृंद एवं मित्रों, आज मैं एक कविता लेकर प्रस्तुत हूं जिसका शीर्षक है पुरुषा। भूमति ऋतुचक्र मन मस्तिष्क मानव का, भूमति ऋतुचक मन मस्तिष्क मानव का पुरुष की वंचना समझकर ना समझ बनता, खुद बनाए जाल में जाता उलझता, पर न लेता सीख समय को देख पछताता, व्यूह नित नूतन बनाता और फंसता ही जाता। भूमति ऋतुचक्र मन मस्तिष्क मानव, दोष देता भाग्य को छोड़कर पुरुषार्थ, दोष देता भाग्य को छोड़कर पुरुषार्थ को, या कभी दूसरों की आड़ में कायरता अपनी जीवन। भूमति ऋतुचक्र मन मस्तिष्क, पर न देता दोष अपने कर्म को, पुरुषार्थ समय की धार में कर्तव्य की पतवार, पुरुषार्थ समय की धार में कर्तव्य की पतवार ले मार्ग नित नूतन बनाता कर्म पथ पर, मार्ग नित नूतन बनाता कर्म पथ पर अग्रसर, लक्ष्य पर से ध्यान समय के साथ हो, सत्य को पहचानता मार्ग नित नूतन बनाता
मार्ग निकल जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब अगली कड़ी में मैं गजेंद्र सिंह चिदार को आमंत्रित करूंगा, केंद्रीय विद्यालय TGT साइंस केंद्रीय विद्यालय चोपन। गजेंद्र चिदार सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी आपकी आवाज़ आ रही है। ठीक। उस वक्त के साये में ये दिल खूब रोया था, उस वक्त के साये में ये दिल खूब रोया था, तब दर्द का एहसास लफ्जों में फिर रोया था। यूं बिदलती रेत हो सिमटी हुई मुट्ठी बनी। आपकी आवाज नहीं आ रही गजन सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। कुछ तकनीकी खराबी के कारण गजन सर की आवाज नहीं आ पा रही है, तो मैं अगले प्रतिभागी के रूप में श्री गुलाब प्रसाद सर TGT हिंदी ओल्ड कैंट, श्री गुलाब प्रसाद सर गजन सर को बाद में बुलाएंगे। अब हम लोग गुलाब प्रसाद सर को सुनेंगे। परम जी सर, मेरी आवाज आ रही सर? अभी गजन सर आपको आपको इसके बाद सुनेंगे हम लोग। अभी हम लोग गुलाब प्रसाद सर को सुन रहे हैं, इसके बाद आप अपनी जो तकनीकी समस्या है उसको समाप्त कर लें, इसके बाद आपको सुनेंगे हम लोग। सर गुलाब सर आप कंटिन्यू करें। सादर प्रणाम आप सभी लोगों को। परम श्रद्धेय उपायुक्त महोदय, पथ प्रदर्शक परम श्रद्धेय सहायक आयुक्त महोदय, कवि सम्मेलन निर्णायक समिति के परम सम्माननीय प्राचार्य महोदय एवं भाषा प्रवीण हिंदी अनुवादक सुश्री अनामिका मैडम, केंद्रीय विद्यालय वाराणसी संभाग के सभी श्रद्धेय प्राचार्य महोदय, उपप्राचार्य महोदय तथा कवि सम्मेलन के सभी प्रतिभागीगण, कवि सम्मेलन की शुभ संध्या में आप सभी लोगों को सादर प्रणाम। महोदय मैं गुलाब प्रसाद केंद्रीय विद्यालय ओल्ड कैंट प्रयागराज आपके स्वरचित कविता लेकर प्रस्तुत हुआ जिसका शीर्षक है मैं गुलाब हूँ। कविता में गुलाब के अंतर्मन की वेदनाओं और संवेदनाओं को स्पर्श करने का प्रयास किया गया है। कविता इस प्रकार है, सुने और आनंद उठाए। मैं गुलाब हूँ काटों भरी जिंदगी मेरी वेदनाओं को सह लेता हूँ, काटों भरी जिंदगी मेरी वेदनाओं को सह लेता हूँ, हवा के थपेड़े खा खा कर मजबूत हुआ हूँ, हवा के थपेड़े खा खा कर मजबूत हुआ हूँ। शुष्क आर्द्रता में भी हंसता हूँ, मुस्कुराता हूँ, क्योंकि मैं गुलाब हूँ। वेदनाएं किससे कहूँ कभी सूरज ने झुलसाया, कभी सूरज ने गरमाया तो कभी माली बेरहमी पर आया। वेदनाएं किससे कहूँ कभी सूरज ने झुलसाया तो कभी माली बेरहमी बर पाया। मेरी आत्मा को मुझसे अलग किया इस व्यापार की नगरी में अपनों से अलग किया। मेरी आत्मा को मुझसे अलग किया इस व्यापार की नगरी में अपनों से अलग किया। मैंने पैरों तले मसलते देखा हूँ
मैंने पैरों तले मसलते देखा हूँ, देवों पर भी चढ़ते देखा हूँ। मैंने पैरों तले मसलते देखा हूँ, देवों पर भी चढ़ते देखा हूँ। कभी कभी दिल के करीब सहेजे, कभी दिल के करीब सहेजे, किताब के पन्नों में मुरझाया देखा हूँ। कभी दिल के करीब सहेजे, किताब के पन्नों में मुरझाया देखा हूँ। कभी समारोहों में तो कभी अर्थी पर चढ़ते देखा हूँ, कभी समारोहों में तो कभी अर्थी पर चढ़ते देखा हूँ। विभिन्न रूपों में व्यापार, विभिन्न रूपों में व्यापार हुआ, कभी राहों में तो कभी गले का हार हुआ। विभिन्न रूपों में व्यापार हुआ, कभी राहों में तो कभी गले का हार हुआ। भारत कोकिला बालों में सजाए, भारत कोकिला बालों में सजाया, चाचा सीने से लगाए। भारत कोकिला बालों में सजाया, चाचा सीने से लगाया। मुझे मुझे विशेषणों से भिगो दिया गया, मुझे विशेषणों से भिगो दिया गया। वेदनाओं को उसी तरह छोड़ दिया गया, वेदनाओं को उसी तरह छोड़ दिया गया। मुझे विशेषणों से भिगो दिया गया, वेदनाओं को उसी तरह छोड़ दिया गया। फिर भी हंसता हूँ मुस्कराता हूँ, फिर भी हंसता हूँ मुस्कराता हूँ, क्योंकि मैं गुलाब हूँ, क्योंकि मैं गुलाब हूँ, क्योंकि मैं गुलाब हूँ। धन्यवाद। और मैं दो पंक्तियाँ आप लोग मेरा सुनने का कष्ट कर लें, क्योंकि हिंदी कवि सम्मेलन है और मेरे हिंदी के प्रति दो पंक्तियाँ मैंने बहुत सहेज के रखा हूँ, और एक संदेश के रूप में है कि हिंदी लिखें, हिंदी लिखें, हिंदी पढ़ें, हिंदी लिखें, हिंदी पढ़ें, हिंदी का गुणगान करें, हिंद देश में रहने वाले हिंदी का सम्मान करें, हिंदी का। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं अगले प्रतिभागी के रूप में गजेंद्र सिंह चिदार सर को आमंत्रित करूँगा, और यह हमारे कवि सम्मेलन की अंतिम रचना है। मैं गजेंद्र सिंह चिदार सर को आमंत्रित करना चाहता हूँ। हेलो सर, गजेंद्र सर मेरी आवाज़ जा रही है? आवाज आ रही सर? जी जी। हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है सर, आप अपनी कविता पढ़ें। सर मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है सर, आप अपनी कविता पढ़ें। हाँ कृपया सर समय दीजिएगा। उस वक्त के साये में दिल खूब रोया था, तब दर्द का एहसास लफ्जों में पिरोया था। यूं फिसलती रेत हो सिमटी हुई मुट्ठी भरी, यूं फिसलती रेत हो सिमटी हुई मुट्ठी भरी, यूं मौत के बाजार में अपनों को खोया था। आज के इस सांड मेला में, इस कवि सम्मेलन में उपस्थित आदरणीय उपायुक्त महोदय, आदरणीय सहायक आयुक्त महोदय, सम्माननीय निर्णायक मंडल, उपस्थित समस्त प्राचार्य महोदय और प्रतिभागी, मेरे सभी प्रतिभागीगण, आपको स्वागत है। मैं गजेंद्र सिंह किडार, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय चौपन, अपनी रुवाइयों के साथ आपके सामने रूबरू होना चाहता हूं, जिसका उन्वान अर्थात शीर्षक है कोरोना का दर्द। आपसे बस इतनी इल्तिजा करूंगा कि आप अपने सीने पर हाथ रखिए और ठीक एक साल पहले, एक डेढ़ साल पहले पहुंच जाए, मैं आपको उस सारा चित्रण अपनी कविता में करके बताऊंगा। अगर आपको पसंद आए तो आपके आशीर्वाद के रूप में तालियां चाहूंगा। सुनिएगा, गौर फरमाएं कि सुनकर के वो एक लफ्ज दिल सहम जाता है, सुनकर के वो एक लफ्ज दिल सहम जाता है, जहन में नाम कोरोना घर एक बार आता है। और फरमाइएगा कि सुनकर के वो एक लफ्ज दिल सहम जाता है और जहन में नाम कोरोना घर एक बार आता है। देखिए इधर कि वो सूखी हुई आंखों की उस मंजर के हवाले, वो सूखी हुई आंखों के उस मंजर के हवाले, देखे हैं कई थकते हुए पैरों के बुझ। उस दौर में जब नाप दी पैरों से ये दुनिया, उस दौर में जब नाप दी पैरों से ये दुनिया,
तपती हुई गर्मी में क्या वो छांव पाता है, और सुनकर के वो एकदम दिल सहम जाता। पटरी पे वो बिखरी हुई रोटी की कहानी, रवाइयां दिल को छू जाए तो मैं इसके आशीर्वाद में आपसे ताली चाहूंगा कि पटरी पे वो बिखरी हुई रोटी की कहानी है सुनी हमने कहीं वो दर्द जुबान, और जीने की कसमकस में एक होड़ सी लगी थी, जीने की कसमकस में एक होड़ सी लगी थी, क्या कौन खोता है क्या कौन पाता है, सुनकर को एक लव दिल से। आगे तिसन सी वो सड़कें, तिसन सी वो सड़कें जो कभी चहल कदम थी, सन सी वो सड़कें जो कभी चहल कदम थी, थम गई वो सांसें जो मेरे हम कर, तिसन सी वो सड़कें जो कभी चहल कदम थी, थम गई वो सांसें जो मेरे हम कदम थी, मन्नत बहुत की मैंने कि वो लौट के, मन्नत बहुत की मैंने कि वो लौट के आएंगे, पर जो दूर जाता है ना फिर अश्क आता है, सुनकर के वो एक लफ्ज दिल से हम जाता। आगे की रुबाइयां आपको जरूर दिल तक जाएंगी, महसूस कीजिएगा कि साथी रहे वो मेरे साथ थे खेले, साथी रहे वो मेरे साथ थे खेले, वो बचपन की धूप में नहीं छोड़े कोई मेरे, इस काल के उस गाल में चुपचाप खो गए, इस काल के उस गाल में चुपचाप खो गए, ये वक्त अक्सर यूं हमें कुछ आजमाता है, सुनकर के वो एक लफ्ज दिल सहम जाता। और फरमाइएगा कि पास वाले चाचा ने हम उम्र खोया है, वो पास वाले चाचा ने हम उम्र खोया है, पीछे की गली में भी एक घर खूब रोया है, वो पास वाले चाचा ने हम उम्र खोया है, पीछे की गली में भी एक घर खूब रोया है, और अपने बिना शामिल हुए कांधे रहे सुने, अपने बिना शामिल हुए कांधे रहे सुने, मैयत में भी वो दूर से आंखें चुराता है, सुनकर के वो एक लफ्ज दिल से हम जाता है। इल्तजा है इल्तजा तुझसे ही मददगार हो जाए, है इल्तजा तुझसे ही मददगार हो जाए, बेजार सी दुनिया के फिर गुलजार हो जाए, वो दूर कोरोना की ये जो जख्म है गहरा, वो दूर कोरोना की ये जो जख्म है गहरा, है जानता कीमत की जो अपने गवाता है, सुनकर के वो एक लफ्ज दिल। और आखिरी रुवाइयां पर फरमाइएगा कि मेरी आखिरी पंक्तियां आपके दिल को जरूर छुएंगी, पर छू जाएं तो मैं तालियां चाहूंगा कि अश्क फिर से मिल सके बाहों में सिमट कर, अश्क फिर से मिल सके बाहों में सिमट कर, और वो ईद की ईदी मिले सीने से लिपट कर, अश्क फिर से मिल सके बाहों में सिमट कर, वो ईद की ईदी मिले सीने से लिपट कर, चाहे कहीं फिर जा सके बेखौफ, चाहे कहीं फिर जा सके बेखौफ यूं होकर, हर दिन नया सूरज नया आगाज लाता है, सुनकर के वो एक लफ्ज दिल सहम जाता है, जहन में नाम कोरोना गर एक बार आता है, जहन में नाम कोरोना गर एक बार आता है। बहुत 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 धन्यवाद सर, बहुत अच्छा आपकी कविता, और आज की यह अंतिम कविता थी। अब मैं माइक आदरणीय प्राचार्य महोदय को देता हूँ। सर परमादरणीय माननीय उपायुक्त महोदय जी, माननीय सहायक आयुक्त महोदय जी, कार्यक्रम से जुड़े हुए सम्मानित प्राचार्यगण, उपप्राचार्यगण, केंद्रीय विद्यालय संगठन के सभी अधिकारी एवं कर्मचारीगण, तथा विद्यालयों से जुड़े हुए हमारे शिक्षकगण और स्टाफ के अन्य सदस्यगण, तो आज की इस कविता के को जो है YouTube स्ट्रीम में भी देखने के लिए जो है लिखा गया था, तो उसमें बच्चों को भी, केंद्रीय विद्यालय के हमारे बच्चों को भी जो है इसको जो है भेजा गया है, तो वो बच्चे भी जो है YouTube के माध्यम से लाइव
देख रहे होंगे। तो अभी हमारे विद्यालयों से, विभिन्न विद्यालयों से आए हुए सभी प्रतिभागीगण यहाँ पर अपनी प्रस्तुतियाँ जो है बहुत अच्छे तरीके से रखी। हमारे जीवन के हमारे आसपास बहुत कुछ घटित होता रहता है, बहुत कुछ चलता रहता है, कुछ प्यारा होता है, कुछ सुखद होता है, कुछ दुखद होता है, अनेक प्रकार के मनोभाव हमारे मन में उठते रहते हैं, लेकिन उन्हें लेखनीबद्ध करना और कविता का रूप देना, अपने भावों के उच्छ्वासों को हम अपनी कविता के रूप में व्यक्त करना अपने आप में एक कला है। हर कोई अपने आसपास के वातावरण को अनुभूत तो करता है, लेकिन उसे लेखनीबद्ध करने की कला हमारे कुछ गिने चुने लोगों में होती है। तो हमने पाया कि केंद्रीय विद्यालय संगठन वाराणसी संभाग के विभिन्न विद्यालयों में, हमारे शिक्षक साथियों में, हमारे कर्मचारियों में ऐसी सृजनात्मक क्षमता छिपी हुई है जो आज इस संभाग स्तरीय कवि सम्मेलन में उभर करके सामने आई है। इस प्रकार का संभाग स्तरीय कवि सम्मेलन जो है पहले कभी आयोजित नहीं हुआ था, अगर हुआ रहा होगा तो वो ऑफलाइन हुआ होगा और वहाँ के लोगों ने, जहाँ पर आयोजन हुआ या उसमें प्रतिभाग करने वाले लोगों ने देखा होगा, लेकिन आज जो है ये ऑनलाइन के माध्यम से जो आज कवि सम्मेलन हुआ, इसको जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन के सभी विद्यालयों के प्राचार्यों ने, शिक्षक साथियों ने, स्टाफ के सदस्यों ने और केंद्रीय विद्यालय संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों ने और कर्मचारियों ने इसको देखा। तो सभी लोगों ने अपनी कविता के माध्यम से अपने भावों को लेखनीबद्ध करने का और अपनी वाणी के माध्यम से उसको व्यक्त करने का यहाँ पर बहुत ही सुंदर प्रयास किया है। अगर हम देखें तो कोई कविता जो है किसी से कम नहीं है, किसी में गेयता है, किसी में लयात्मकता है, किसी में भावबोध हैं और अपने अपने तरीके से लोगों ने इसको व्यक्त किया है। सभी कविताएं जो है अत्यंत सुंदर रही हैं, किसी में उसका कला पक्ष प्रधान रहा है, कहीं पर जो है उसका भाव पक्ष जो है बहुत प्रबल रहा है और कहीं पर काव्य कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों बहुत ऊंचाई तक जो है पहुँच सका है। तो ये हमारे निर्णायकों के लिए जो है बहुत मुश्किल घड़ी है, क्योंकि जब एक से बढ़कर एक कविताएं यहाँ पर प्रस्तुत की गई हों और उनमें से जो है प्रथम, द्वितीय और तृतीय का चयन कर पाना निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमारे निर्णायक मंडल में ऐसे विद्वजनों को यहाँ पर शामिल किया गया है जिन्होंने आपकी कविताओं को बहुत बारीकी से जो है सुना है, एक एक शब्द को, एक एक भाव को, एक एक गति गति लय और गेयता सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो चार बिंदु निर्धारित किए गए हैं उन चार बिंदुओं के अंतर्गत आपका मूल्यांकन किया है। और ये मूल्यांकन जो हुआ है इसकी आज ही घोषणा हो जाएगी, इसलिए जो है अभी जो है मैं निर्णायक मंडल के सम्मानित सदस्यों से अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर उनकी ये असेसमेंट सीट भर गई है, उसमें उन्होंने अपने अंकों को फाइनल कर लिया है, तो कृपया आप उसकी एक स्क्रीनशॉट लेकर के हमारे व्हाट्सएप में जो है इसे भेज दें, ताकि यहाँ पर जो है जो अंकों की गणना कर रहे हैं, समायोजन कर रहे हैं, उनको जो है हम दे सकें और जल्दी से जल्दी जो है ये इसको जो है काउंटिंग करके, इसकी गणना करके और प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय की जो है यहाँ पर घोषणा की जा सके। तो निर्णायक मंडल सदस्यों से अनुरोध है कि यथाशीघ्र जो है हमारे मोबाइल उसमें व्हाट्सएप नंबर में जो है आप प्लीज अपना स्क्रीनशॉट भेज दीजिए और कंपाइलर हमारे यहाँ पर रेडी हैं। हेलो, हाँ मैंने भेज दिया है सर, आपके व्हाट्सएप पे भी और मेल पे भी। अच्छा ठीक सर, तो आ चुके हैं इसमें जो है श्री APK मिश्रा दिया। अच्छा ठीक है, इसमें केंद्रीय विद्यालय, इसमें केंद्रीय विद्यालय कहाँ से, मनोरी से जो है PK मिश्रा सर, उपप्राचार्य जी जो है ये अपना भेज चुके हैं और श्रीधर पांडे जी प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय नंबर 4 वाराणसी का भी आ चुका है। अनामिका मैडम आप भी भेज दीजिए और जब तक कंप्लीट, सर मैंने भेज दिया है। अच्छा आपने भेज दिया है, सभी के आ गए हैं, हम इसको फॉरवर्ड कर देते हैं सर, थोड़ा सा देखिए इसमें आगे फॉरवर्ड कर दीजिए। तब तक पांडे जी को, हाँ हाँ सर, तब तक पांडे जी को प्रवचन के लिए आमंत्रित करिए, कुछ हमारे कविगणों को परामर्श दें। बिल्कुल सर, अपने अनुभव साझा करने के लिए
तो निर्णायक मंडल को थोड़ा सा हम ये समय दे रहे थे, जो हम अपनी अभिव्यक्ति यहाँ पर थोड़े से विचार प्रकट कर रहे थे, मात्र केवल इसलिए था कि ताकि हमारे जो निर्णायक मंडल हैं अंतिम कविता के बाद जो है अपने अंकों को एक सुव्यवस्थित रूप दे सकें। अगर उसमें किसी प्रकार के संशोधन की है कि कविता का स्तर कहाँ पर क्या रहा है, उनमें कोई नंबरिंग करने में अगर कोई कमी रही होगी तो उसको पूरा करने के लिए थोड़ा सा समय की आवश्यकता होती है, तो वो समय देने का जो है हमने प्रयास किया है। और अब जो है निर्णायक मंडल से माननीय श्रीधर पांडे जी, प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय नंबर 4 वाराणसी को हम ससम्मान आमंत्रित करते हैं कि सर आप आइए सामने और अपने विचार जो है आज की कविता के माध्यम से, कविता के बारे में जो है प्रस्तुत करने का प्रयास करें। माननीय श्रीधर पांडे जी। परम सम्मानीय उपायुक्त महोदय, आदरणीय श्री विद्याल सर, सहायक आयुक्त, आयोजक स्थल के प्राचार्य श्री वी प्रसाद सर, इस मंच पर जुड़े हुए विभिन्न विद्यालयों से प्राचार्य, उप प्राचार्य, शिक्षक एवं विभिन्न विद्यालयों से प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों, आप सब किसी को पहले तो मैं नमस्कार प्रस्तुत करना चाहता हूं और मैं अपने विचार की अभिव्यक्ति एक श्लोक से करना चाहता हूं, जैसा कि मैंने अनुभव किया। कवि नाच विभो विभु नाच कवि, कवि ना विभु नाच विभाति विसभा, सभया च भवान भवता च सभा, सभया भवता च विभाति जगत। विभो यहाँ पर कविना जो आप सभी कवि हैं, जो जितने प्रतिभागी हैं, और विभु का अर्थ होता है जो उत्तम काव्य को प्रसन्न करने वाले राजागण। हमारे ऐसी सर दीदयाल सर जो साहित्य के मर्मज्ञ, और यहाँ पर हमारे पथ प्रदर्शक भी हैं, उपायुक्त महोदय जिनकी अनुपस्थिति में यह कार्य संभव हो पा रहा है, यह हमारे राजा स्वरूप हैं इस कहें तो इस संभाग के, तो ये पसंद कर रहे हैं और जितने सारे, तभी ये हमारी सभा जो है वह सुशोभित हो रही है। यह सभा और हम सभी का सम्मेलन, ये सब हम मिल कर करके इस समाज को हम सुशोभित कर रहे हैं, इस जगत को हम सुशोभित कर रहे हैं। हमारे लिए एक गर्व का विषय है कि बहुत दिनों के बाद शायद मैं अपना अनुभव बताऊं तो इस केंद्रीय विद्यालय संगठन में ये पहला अनुभव है कि केंद्रीय जो बस हिंदी सप्ताह चल रहा हो, हिंदी पखवाड़ा चल रहा हो, तो सहायक आयुक्त महोदय के परामर्श से यह सभा कवि सम्मेलन संभव हो पाया है। महोदय मैं तो बताना चाहता हूँ कि सभी केंद्रीय विद्यालयों में तो काव्य समारोह तो हो रहे हैं, काव्य सम्मेलन भी चल रहे हैं छात्रों के बीच में, लेकिन शिक्षकों के बीच में और इस संभाग स्तर पर ये पहला आयोजन हो सकता है। जहाँ पर वाराणसी संभाग में जब से मैं आया हूँ तब से तो पहली बार मैं देख रहा हूँ। मैं इसके लिए विशेषकर से मैं दयाल सर का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि सर आपने एक मंच तैयार दिया, जो मंच हमारे बच्चों के लिए प्रेरक स्वरूप होगा, जो बच्चे YouTube पर देख रहे होंगे, जो शिक्षक जो प्राचार्य इस YouTube से जुड़े हुए हैं, इस लिंक से जुड़े हुए हैं। मैं जज तो बना दिया सर ने, लेकिन मैं बताऊं कि मैं जब कविता रच नहीं सकता तो जजमेंट करना बहुत ही मुश्किल है, मैं कविता मैं रचता नहीं तो जज करना जो मुझे सुनाई पड़ा है कान को, मैं तो यही जानता हूँ कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, जो रसात्मक है, जो कान को श्रवण को सुलभ हो, जो रोचक हो, आनंद प्रदान करे, वही काव्य है। तो इस आधार पर मैंने जो जजमेंट किया है और जितने सारे यहाँ पर कवि हैं, जितने सारे यहाँ पर प्रतिभागी हैं, समसामयिक जो काव्य विधा है उसमें उन लोगों ने कविता प्रस्तुत की है और सबकी कविताएं, सबका भाव बहुत ही विलोम, विषय समसामयिक रहा है, एक जो सामाजिक बिंदु है वो सामाजिक बिंदुओं को प्रकाशित किया गया है, जहां बच्चों को विषमता को एक जगह दिया गया है, तो यहीं पर अलग अलग प्रतिभागियों ने जीवन की वास्तविकता को, कोरोना के दर्द को, परिवर्तन को, और साथ साथ में यही बताया है अपने कविता के माध्यम से हम समाज की इस दुनिया की तरक्की कैसे करें। सभी प्रतिभागियों के दो शब्दों का चयन बड़ा अच्छा था, बहुत ही अच्छा, उनकी लयबद्धता,
निश्चित ही हम एक कविता का जो सुर है वह दूसरे कविता से मिल नहीं सकता, क्योंकि अलग अलग कविता के रस अलग अलग होते हैं और सुर लय जो है वह अलग अलग होते हैं निश्चित ही। लेकिन मुझे तो सारी कविताएं पसंद आई और भाव के आधार पर मेरे कान में जो रसात्मक भाव आया उसके आधार पर मैंने जजमेंट किया है। मैं सभी जितने सारे प्रतिभागी हैं मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि उनके अंदर इस प्रकार की ऊर्जा और बने ताकि वो इसी ऊर्जा के साथ अपने बच्चों के पास जाए, अपने क्लास में जाए और अपने कविता से इस पूरे क्लास को अप्लावित करें, अपने शब्द सागर से हमारे जो काव्य जगत है उसको महिमामंडित करें। तो मैं सर का मैं बहुत यहाँ पर आयुक्त महोदय और सहायक आयुक्त महोदय को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया जजमेंट करने का। मैं भी सर को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और जितने सारे प्रतिभागी हैं यहाँ पर मैं ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जो बताएं मुझे बहुत बहुत प्रेरणा और सभी मतलब क्या कहें एक संदेश प्रदत्त करता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो है बहुत अच्छा जो है प्रकाश डाला है और आपके जो है इन वचनों से जो है हमारे सभी प्रतिभागीगण जो है काफ़ी प्रेरणा ले रहे हैं। और सर आपसे एक अनुरोध है कि एक प्रतिभागी के बारे में कुछ आपको व्हाट्सएप नंबर में जो है आपके व्हाट्सएप में जो कुछ मैसेज गया है उसको देख लिख करके उसमें एक नाम है ब्रजेश कुमार यादव जी का, 9 नंबर में है था ब्रजेश कुमार यादव जी 9 नंबर पर थे, उनको लास्ट में 9 नंबर में लिख करके उनकी नंबरिंग करनी थी तो उसको थोड़ा सा मैसेज एक गया देख लीजिए उसको भेज दीजिए तत्काल। हाँ पांडे सर आवाज़ मेरी आ रही है? सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। ठीक सर अब सर उसमें कॉल कर लीजिए। सर आपका माइक बंद है शायद अभी। हाँ बताइए सर। हाँ सर तो गुलाब सुनना। हाँ जी ब्रजेश कुमार यादव सर का सर नंबर 9 नंबर पे डाल करके सर मैसेज कर दें। हाँ जी 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 हाँ, सर। जो केंद्रीय विद्यालय संगठन से सुश्री अनामिका मैडम हिंदी अनुवादक जो है यहाँ पर जुड़ी हुई है। 9 नंबर है सर। जी मैसेज में डाल दीजिए सर, मैसेज से भेज दीजिए। तो हमारे जो है निर्णायक मंडल में सुश्री अनामिका मैडम हिंदी अनुवादक केंद्रीय विद्यालय संगठन वाराणसी संभाग भी जुड़ी हैं। तो मैडम से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि मैडम आप भी जो है अपने विचार जो है संक्षिप्त में यहाँ प्रस्तुत करने की कृपा करें। सर्वप्रथम सभी हिंदी प्रेमियों को मेरा शत शत नमस्कार और मैं शुरुआत करना चाहूंगी दयाल सर को धन्यवाद देके, क्योंकि जब मैं पखवाड़े के लिए सर के पास गई थी तो सर ने कहा था नहीं एक कवि सम्मेलन तो होना ही चाहिए, उनका कवि सम्मेलन होना चाहिए तो मैंने कहा ठीक है सर। तो सर ने बहुत सोच समझ कर केवी चौपन को उत्तरदायित्व सौंपने के लिए कहा। सारे प्रतिभागियों की प्रस्तुति बहुत ही अच्छी थी और क्योंकि मेरे पिताजी भी हिंदी के अध्यापक रह चुके हैं केंद्रीय विद्यालय से, वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो मैं उनका एक गीत है जो हमेशा गुनगुनाती रहती, मैं आपको वो थोड़ा सुनाना चाहती हूँ। स्वागत है। जल में जैसे बुलबुला है वैसे जिंदगानी है, रोते गाते जीवो की आने जाने की कहानी है, कोई जन्म लेता है कोई नर मरता है, कोई नौजवान नया प्रेम गीत गाता गया, जिंदगी कहानी है। जल में जैसे बुलबुला है वैसे जिंदगानी है। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और अब जो है निर्णायक मंडल में जो है केंद्रीय विद्यालय मनोरी के उपप्राचार्य श्री पी के मिश्रा जी उपस्थित हैं, तो मैं
सर आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी जो है अपने विचार प्रकट करें श्री के पी मिश्रा जी। हाँ श्री पी के मिश्रा सर आवाज़ पहुँच, श्री पी के मिश्रा सर आपको आवाज़ पहुँच रही सर हमारी? पी के मिश्रा जी उपप्राचार्य केंद्रीय विद्यालय मनौरी, सर आप तक हमारी आवाज़ पहुँच पा रही क्या? प्रसाद सर मैंने भेज दिया है सर। हाँ अच्छा ठीक है सर, देखिए हाँ सर वो कुछ मोबाइल हैंग कर रहा था अभी। हाँ तो ये पी के मिश्रा सर, हाँ अभी अभी आप दिखाई पड़ रहे हैं, अभी आवाज़ पहुंच रही है सर? जी सर जी। हाँ सर आपसे अनुरोध है कि आप भी जो है अपने विचार प्रस्तुत करें। जी परम आदरणीय उपायुक्त महोदय, परम आदरणीय सहायक आयुक्त महोदय, केंद्रीय विद्यालय संगठन वाराणसी संभाग, इस कवि सम्मेलन में समुपस्थित सभी आदरणीय प्राचार्यगण उप प्राचार्यगण और इस कवि सम्मेलन में सहभागिता कर रहे हमारे सभी कवि शिक्षक और कर्मचारीगण और साथ ही केंद्रीय विद्यालय संगठन संभागीय कार्यालय से जुड़े हुए निर्णायक मंडल के सदस्य के में अनामिका मैम और उपस्थित सभी सदस्यों को मेरा सादर प्रणाम आदर अभिवादन। सबसे पहले जैसा कि अभी हमारे निर्णायक मंडलों में आदरणीय पांडे सर ने बताया और अनामिका मैम ने बताया कि माननीय सहायक आयुक्त महोदय की पहल से इस जो कवि सम्मेलन की शुरुआत हुई इस हिंदी पखवाड़े से, इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत बेहतर और अच्छी पहल है और हम ऐसे ही प्रत्येक वर्ष इसी प्रकार के आयोजन करते रहे और जो हमारी साहित्यिक अभिरुचि है, जो हिंदी के प्रति हमारा प्रेम है, हमारा लगाव है, हमारा जो स्नेह है, वो इसी प्रकार की अभिव्यक्तियों के माध्यम से वो विस्तार पाए, एक नया आयाम पाए। तो इस पहल के लिए सबसे पहले मैं माननीय आयुक्त महोदय का, सहायक आयुक्त महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जहाँ तक इस कवि सम्मेलन की बात है, एक निर्णायक मंडल के सदस्य के रूप में मैंने ये पाया कि सभी कवि अपने आप में अद्भुत प्रतिभा वाले हैं, सबके भीतर वही सृजनात्मकता और वही रचनात्मकता छिपी हुई है और हम सभी के लिए, निर्णायकों के लिए ये बड़ा मुश्किल था कि हम कैसे ये निर्णय लें कि कौन श्रेष्ठ है और कौन न्यूनतर है। और मुझे लगता है कि कवियों के बीच इस प्रकार की तुलना जब होती है तो वो भी निर्णायकों के लिए एक बड़ा कठिन विषय हो जाता है। तो हम लोगों ने इस कठिनाई का अनुभव किया, लेकिन साथ ही साथ इस पूरे कवि सम्मेलन का हम सभी ने रसास्वादन किया, वो चाहे आकाश जायसवाल जी हो प्राथमिक शिक्षक या प्रशांत शुक्ला हो जिन्होंने बेटियों को लेकर के कविता लिखी, गुलाब चंद्र मिश्र हो या अंत तक हम जाए तो गुलाब प्रसाद जी तक या गजेंद्र सिंह जी तक, सबने बखूबी अपनी कविता पढ़ी और कहीं से ये नहीं लगा कि ये लोग मजे हुए कवि नहीं है। किसी में भाव प्रबल था, जैसा कि पांडे सर ने कहा, किसी का कला पक्ष बेहतर था, किसी में लयबद्धता थी, किसी के हाव भाव अच्छे थे, तो सबने अच्छी प्रस्तुति दी और इस प्रस्तुति के लिए आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। अब मैं महोदय से, सहायक आयुक्त महोदय से ये अनुरोध करूंगा कि इसी प्रकार के सम्मेलन प्रत्येक वर्ष जो है वो क्लस्टर लेवल पे भी और रीजनल लेवल पे भी और इसी तरह से ये विधान चले कि आगे तक ये जो हमारी पहल है वो आगे को जाए, तो ये सारी चीज़ें होती रहे तो जीवंतता बनी रहेगी और साहित्य के प्रति जो हमारा उत्कट लगाव है वो ही प्रकट होता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आयोजन कर रहे केंद्रीय विद्यालय चौपन के प्राचार्य महोदय और साथ ही साथ उनकी पूरी टीम को, उन बच्चों को जिन्होंने स्वागत ग्राम से इसका प्रारंभ किया,
उन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इसी प्रकार से हम एक साथ एक मंच पर मिले, एकजुट हों, रूबरू हों, हमारी मुलाकात हो और हमारी संवेदनाएं ऐसे ही साकार होती रहें और नया आकार लेती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रसाद जी, जी सर, ये रिजल्ट तैयार है सर, बता दें। हाँ सर, परिणाम जो है तैयार हो चुका है, तो उसकी हम जो है एक फोटो लेकर के स्क्रीनशॉट जो है लेकर के भेज रहे हैं सर। तो सर हाँ, तो जैसा कि अभी हमारे सभी निर्णायक मंडल के सभी सदस्यों ने अभी बताया कि आज के कार्यक्रम की जो प्रस्तुतियाँ जो है जो हुई हैं उनमें निर्णय करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, लेकिन ये दुरूह कार्य जो है आपको सौंपा गया और बहुत अच्छे तरीके से आपने किया है और ये परिणाम जो है हमारे पास आ गए हैं, तो उस परिणाम को देखने से ही पता चलता है कि कितना मुश्किल कार्य था। तो इसे बड़े ही जो है अच्छे तरीके से आपने सर इसको आप लोगों ने पूरा किया है, तो निर्णायक मंडल के सदस्यों की तरफ से ये जो हुआ है। और अभी हम ये कहना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम को अमली जामा पहनाने का श्रेय जो है हमारे माननीय सहायक आयुक्त महोदय जी को जाता है, क्योंकि जब ये पत्र हमें भेजा गया तो हमने सोचा कभी सम्मेलन करवाना है स्कूल के लिए, और हमने जो है तत्काल उसको हिंदी पीजीटी को जो है फॉरवर्ड कर दिया उनको और निर्देश भी लिख दिए कि आप इसको जो है अनुपालन करें। और बाद में जब हम प्राचार्य कॉन्फ्रेंस में पहुंच गए तब हमारे यहाँ पर जो है शिक्षक साथियों ने बताया ये तो सर हमें करना है, उनका अच्छा, तो फिर भी सर का जो है मार्गदर्शन हमें इसमें बराबर मिला और सर के मार्गदर्शन से ही इस कार्यक्रम को यहाँ पर हम प्रस्तुत कर पाए, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन वाराणसी संभाग मतलब संभागीय स्तर का कार्यक्रम जो है हमने अपने विद्यालय में ऑनलाइन आयोजित नहीं किया था, ऑफलाइन तो अपने विद्यालय में हम जो है विद्यालय स्तरीय कार्यक्रम जो है और अनेक प्रकार के कार्यक्रम सभी विद्यालय करते रहे हैं, हमारे लिए ये पहला अवसर था कि ऑनलाइन कवि सम्मेलन आयोजित करने का, लेकिन सर के जो है मार्गदर्शन से सहयोग से जो है हम इस कार्य को जो है कर पाए हैं और हमारे उपायुक्त महोदय जी का जो है हमें जो है हाँ, तो सर का जो है बराबर जो है हमें सहयोग मिला और हमारे माननीय उपायुक्त महोदय जी के जो है आपके आशीर्वाद से और उनके मार्गदर्शन में ये सारे कार्य जो है वो चल रहे हैं, तो हम पूरे विद्यालय की ओर से उनका भी जो है आभार देना चाहेंगे। तो ये बन गई है लिस्ट, तो मैं सर को भेज दिया। हाँ सर को भेज, हमारे माननीय सहायक आयुक्त जी को जो है ये सूची भेज दी गई है और हम सर से ही इसका जो है मतलब ये अनाउंसमेंट करवाएंगे, तो हम जो है निवेदन करेंगे माननीय सहायक आयुक्त महोदय श्री बी दयाल जी से कि सर आप जो है अपने यहाँ पर जो है उद्बोधन और आशीर्वाद जो है दें आज के कार्यक्रम के बारे में, और इसके बाद जो है फिर परिणाम जो है आपके पास पहुंच चुका है और आपसे निवेदन है कि परिणाम की घोषणा भी सर आप ही करें। हमारे माननीय सहायक आयुक्त महोदय जी से जो है को हम आमंत्रित करते हैं कि सर जो है अपने विचार यहाँ पर अपना उद्बोधन दें और अपने आशीर्वचन दें हमें, हमारे सभी प्रतिभागियों को और जो भी प्राचार्यगण और जितने सभी दर्शकगण श्रोतागण यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी के लिए जो है माननीय सहायक आयुक्त महोदय जी के आशीर्वचन जो है हमें मिलना चाहिए।
जी सर बोलिए सर। हाँ सर, आवाज़ सर पहुँच रही है सर? हाँ आवाज पहुंच रही है आपकी, और असल में लिस्ट थोड़ी उल्टी उल्टी आई थी तो उसको मैं सीधा कर रहा था ना? जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। कुल मिलाकर के बहुत अच्छा आपने आयोजन किया प्रसाद जी, कोई संदेह नहीं है इसमें, और समस्त जो हमारे भाई शिक्षक भाई बंधु इसमें सम्मिलित हुए, निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि हिंदी का प्रेम आपको यहाँ तक खींच करके लाया, और हम इस उम्मीद के साथ इस कार्यक्रम को लेकर के आए थे कि यहाँ से शुरुआत मानी जाए, इसको अंत न माना जाए, और कम से कम हिंदी पखवाड़ा केंद्रीय विद्यालय संगठन में नियमित रूप से मनाया ही जाता रहता है, तो आवश्यक नहीं कि रीजनल लेवल सारी रीजनल ऑफिस ही इस कार्यक्रम को इनिशिएट करे, इसको आगे बढ़ावे। आप समस्त प्राचार्यगण अपने विद्यालयों में जब कार्यक्रम कर रहे होते हैं तो एक मंच अगर आपस में सहमत से कभी कभी उपलब्ध कराते रहे विद्यालय के कार्यक्रम में, दूसरे केंद्रीय विद्यालयों के जो हमारे भाई बहन हैं जिनको शौक है, अगर वो अवसर हम उपलब्ध कराते रहेंगे तो निश्चित रूप से बड़ा अच्छा प्रयास रहेगा। और हिंदी की जिस सेवा की हम लोग बात करते हैं वह सही अर्थों में यही है कि हम केवल क्या नाम है पढ़ाने लिखाने तक ही सीमित न रह करके उसके प्रचार प्रसार के लिए और बच्चों में भी, जब हम लोग ऐसा करेंगे तो बच्चों में भी एक प्रेरणा और उत्साह जगती है, उनमें भी प्रतिभा होती है विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने की, तो कविता के क्षेत्र में भी उनमें जिनमें भी प्रतिभा है वो आगे आएंगे निश्चित रूप से। तो बहुत ज्यादा भव्य स्तर पर हम लोग इस बार नहीं कर पाए, हालांकि व्यस्तता थी अन्यथा और इसको किया जा सकता था, लेकिन तो भी प्रसाद जी को ये कहा गया था कम से कम बच्चों को तो उपलब्ध कराया जाए कि वो भी जुड़ सकें जिसको भी यूट्यूब के माध्यम से इसमें देख रहा है, नो डाउट उन्होंने किया होगा, कितने लोगों ने उसको आगे बढ़ाया है ये मैं नहीं कह सकता। तो परिणाम पर आने से पहले मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो हमारे कविगण थे, आकाश की कोशिश, प्रशांत का दूध बादाम, मनीष की तरक्की, केशव की बेटी का अपना नाम, गुलाब की दुश्वारी भारी, अमित की दुविधा का क्या कहना, राम का बंदर लिए उस्तरा पर शैलेंद्र कभी है घबराते ना, ब्रजेश का रंग जमाना, सुरेंद्र जी का पछताना, कोरोना से गजेंद्र का सहमना और गुलाब का वेदनाएं गाना, सब कुछ बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था, सबके सब भाव प्रमाण, राग ज्ञान मान लिए, सभी शिक्षकों के चिंतन सतत शिक्षकों के लिए, सतत शिक्षा के लिए, सारी शिक्षा प्रद ही कविताएं थी, बच्चों के बीच पहुंचेंगी, बहुत चिंतन सब कुछ लिए भी आप लोगों ने तैयारियां की, नो डाउट अपने स्तर के अनुकूल, स्तर से मेरा तात्पर्य शिक्षक के अनुकूल सारी रचनाएं, सभी को धन्यवाद, साधुवाद न दे किसको, लिखते रहने की सामर्थ्य बढ़े, दे ये आशीष ईश्वर सबको, ये मेरी दुआएं हैं। और अब आते हैं परिणाम के लिए, हमें लगता है हमारे जो निर्णायक जन है इन्होंने अनिता मैडम के लिए संकट पैदा कर दिया है, और संकट ये है कि समस्त जो स्थान है वो दो दो लोगों को मिले, प्रथम स्थान प्रशंसा ही करते हैं, तो नो डाउट सर से परमिशन लेकर के हम लोगों ने किया है। और चलिए आ जाते हैं परिणाम की ओर। श्री गुलाब चंद्र मिश्र प्रथम, और संयुक्त रूप से श्री राम विलास जी भी इफको फूलपुर, ये दोनों लोग प्रथम स्थान पर हैं, गुलाब चंद्र मिश्र जी और श्री राम विलास। प्रसाद जी जरा मिलाते जाना लिस्ट में, थोड़ा सा मोबाइल में देखने में ऊपर नीचे कहीं हुआ तो याद ठीक करा देना। हाँ जी सर सही है, सही है ना? हाँ सर, गुलाबचंद मिश्र जो है ये टीजीटी कार्यानुभव है एनटीपीसी रिहन नगर। हाँ, सर हाँ ये फर्स्ट यस यस। और राम विलास जी टीजीटी हिंदी इफ्को प्रयागराज है, फुलपुर। और दूसरे स्थान पर श्री शैलेंद्र कुमार त्रिपाठी,
एफसीआई गोरखपुर से हैं और श्री सुरेंद्र कुमार पाठक जी 39 DTC, दोनों लोगों को, दोनों भाइयों को बहुत बहुत बधाई। और तीसरे स्थान पर श्री आकाश जायसवाल प्राथमिक शिक्षक बमरौली और श्री अमित कुमार सिंह ये केंद्रीय विद्यालय चित्रकूट से हैं, तो इनको भी बधाई। और कुल मिलाकर के बहुत अच्छा प्रयास सभी का रहा। मैं यही निवेदन करूंगा कि अपनी इस प्रतिभा को कुंठित न होने दीजिए, जब भी मौका मिले कम से कम 5, 7, 6, 4 जो भी है 3 आपस में बैठ करके, आजकल तो ऑनलाइन का जमाना बन चुका है, एक दूसरे को सुनाते जाइए और कभी कभी बच्चे भी जुड़े, बच्चों को भी कभी सम्मिलित करिए, तो इस तरह से अपना हिंदी का वो मान सम्मान है बढ़ाने के क्रम में हम कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार बोलना है हमारे प्रसाद जी को, धन्यवाद, थैंक यू सर। धन्यवाद धन्यवाद सर। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए अपने विद्यालय के शिक्षक श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव सर को आमंत्रित करूंगा कि जितने भी अधिकारी प्राचार्य सभी लोग जिनको जिनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसमें सहयोग रहा उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करें। श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव सर, पीछे जो प्रसाद जी ने अपना मंच बनाया है वो भी बड़ा सुंदर सा है, पूरा अवसर के अनुकूल बैनर वगैरह लगाया हुआ है और नो डाउट ऐसा होना भी चाहिए, दिखना चाहिए, कुछ समर्पण के भाव से कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद सर इसके लिए भी। आप सभी को मेरा नमस्कार। सचमुच कहा गया है जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ भी पहुँचे रवि, सॉरी जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ भी पहुँचे कवि। तो निश्चित तौर पे हमारे कवि कहीं भी पहुँच सकते हैं। विज्ञान की भाषा में चंद्रमा एक खगोलीय वस्तु है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, लेकिन कवियों की दृष्टि से जब चंद्रमा को कवि बच्चे की नज़र से देखता है तो ये कहता है चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूध के। और फिर किसी कक्षा में, मुझे याद नहीं आ रहा है किस कक्षा में पढ़ा था मैं, चूँकि मैं विज्ञान का छात्र रहा हूँ सर, हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दोमा मुझे ऊन का मोटा एक झिगोला। समय के साथ जब वो बच्चा कवि युवा की तरह चंद्रमा को देखता है तो फिर कहता है मेरा चांद मुझे आया है नजर, ऐ रात जरा थम थम के गुजर। तो ये कवियों की परिकल्पना है सर, कवियों की परिकल्पना की कल्पना करना हमारे जैसे इंसान के लिए बहुत दूर की बात है सर। मुझे यहाँ धन्यवाद प्रस्ताव के लिए बुलाया गया है। सबसे पहले मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन वाराणसी संभाग के उपायुक्त एवं सह आयुक्त जी का आभारी हूँ जिन्होंने हमारे विद्यालय केंद्रीय विद्यालय चौपन को संभाग स्तरीय केंद्रीय विद्यालय सम्मेलन को आयोजित करने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए हम विद्यालय परिवार की तरफ से आपके आभारी हैं। मैं जानता हूँ दयाल सर आज इंस्पेक्शन में व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए पूरा समय दिया है, इसके लिए मैं संभाग के सह आयुक्त श्री विष्णु दयाल जी का हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने पूरे कार्यक्रम के लिए समय निकाला और सभी प्रतिभागियों का हौसला अफजाई किया। मैं अपनी तरफ से कल जो चयन समिति बनाई गई थी, चयन समिति के सदस्य श्री के भारती जी प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय दीनदयाल उपाध्याय नगर चंदौली, श्री अमरनाथ जी प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय बमरौली प्रयागराज एवं सुश्री अनामिका हिंदी अनुवादक केंद्रीय विद्यालय संगठन वाराणसी संभाग को विशेष धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिन्होंने कल इस प्रोग्राम को पूरी तरह से सुना और अंतिम रूप से 12 प्रतिभागियों का चयन आज के लिए किया। इसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। इस कवि सम्मेलन में जिन शिक्षकों ने अपनी प्रस्तुति दी है
और अपनी क्रियाशीलता को जो शब्द दिए हैं और अपने विचारों को कविता के माध्यम से बताया है, वे सभी बधाई के पात्र हैं। निर्णायक मंडल आज जिन्होंने अपनी जजमेंट आज दिया है, जो सर ने बताया, हमारे जजमेंट देना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। हमारे साइकोलॉजी में एक शब्द आता है, डोंट बी जजमेंटल। लेकिन जब हम किसी प्रोग्राम को करते हैं और जज करने का हमें अवसर दिया जाता है तो ये बहुत ही दुरूह कार्य होता है। ये सिर्फ वही लोग जानते हैं जो इस प्रोग्राम को या किसी को जज कर रहे होते हैं। तो मैं निर्णायक मंडल के सदस्य श्री श्रीधर पांडे, प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय नंबर 4 वाराणसी, श्री पी के मिश्र जी, उप प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय मनोरी, एवं सुश्री अनामिका, हिंदी अनुवादक केंद्रीय विद्यालय संगठन वाराणसी संभाग को बधाई देता हूँ और उन्हें साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही साथ मैं जिन प्राचार्य, जो भी प्राचार्य जिन भी केंद्रीय विद्यालयों से इस काव्य सम्मेलन में शामिल हुए और इसको सुना उन्होंने, वो सभी बधाई के पात्र हैं। कविता सुनना एवं समझना एक कला है। मैं उन सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूँ जो अपना बहुमूल्य समय इस कविताओं को न केवल सुनने में लगाया बल्कि सभी शिक्षकों का हौसला अफजाई भी किया। मैं सर अपने विद्यालय के माध्यम से आप सभी, आपको बताना चाहता हूँ कि ये सभी जो प्रोग्राम हुए हैं आज, ये सभी YouTube के पर भी लाइव किया गया था और सभी बच्चों को, हमारे स्कूल के सभी बच्चों को ये शेयर किया गया था और संभाग के सभी प्राचार्य से निवेदन किया गया था कि ये YouTube लाइव का लिंक सभी को शेयर कर दिया जाए ताकि सभी लोग जो ये काव्य सम्मेलन, जो अनूठी प्रस्तुति आपके निर्देशन में संपन्न कराई गई है, सभी लोग इसका आनंद उठा सकें, सभी इससे प्रेरित हो सकें। अब मैं इस कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए विद्यालय के स्नातकोत्तर शिक्षक श्री जगदीश चौहान एवं स्नातक शिक्षक श्री संजय मौर्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने इस प्रोग्राम की पूरी रूपरेखा बनाई और इसको पूरी तरह से कार्यान्वित किया। कार्यक्रम में तकनीकी सहायता देने में श्री सरफराज आलम, श्रीमती पूजा एवं श्री अशोक वर्मा जी का योगदान रहा है। ये सभी साधुवाद के पात्र हैं क्योंकि ये पूरा प्रोग्राम इन्हीं लोगों के मदद से हम सभी गूगल मीट के माध्यम से भी और YouTube के माध्यम से भी देखने में सफल हुए हैं। विद्युत व्यवस्था एवं अन्य कार्यों के लिए श्री आदित्य प्रकाश एवं श्री शोभित श्रीवास्तव को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतियोगिता का परिणाम कंपाइल करने में श्री सुजीत पटेल एवं श्री रविन्द्रनाथ जी को ने जो सहयोग दिया है उसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे विद्यालय के छात्रों ने सरस्वती वंदना की जो प्रस्तुति की वो छात्र भी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने बहुत ही कम समय में, आज उन्हें कहा गया कि हम लोग सरस्वती वंदना प्रोग्राम के पहले करेंगे और उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ इस प्रोग्राम को, इस वंदना को प्रस्तुत किया, वो सभी बधाई के पात्र हैं। साथ ही साथ मैं इस प्रोग्राम को सफल बनाने में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जिन्होंने भी मदद की है, मैं उन सभी को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अंत में विद्यालय के प्राचार्य श्री वी प्रसाद जी को विशेष धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने इस संभाग स्तरीय कवि सम्मेलन को आयोजित कराने में पूरा सहयोग दिया, पूरा मार्गदर्शन दिया। सर प्रिंसिपल कॉन्फ्रेंस में थे तभी से इस प्रोग्राम को लेकर के काफ़ी वो बार बार गाइड हम लोग को कर रहे थे, साथ में उनके गाइडेंस में हम लोग इसकी तैयारी कर रहे थे। तो सर का जो गाइडेंस है वो निश्चित तौर पे सराहनीय है और किसी भी प्रोग्राम को सर ऑर्गेनाइज करने में पूरे दिल से उसमें जुड़ जाते हैं, इसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम का अंत नहीं है बल्कि हम इसे शुरुआत मानते हैं और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में हमारे शिक्षकों को इसी तरह के कार्यक्रम में प्रतिभाग करने का अवसर हमारे उपायुक्त एवं सहायुक्त के द्वारा प्रदान किया जाता रहे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी लोगों के सहयोग से जो है सभी का मार्गदर्शन रहा, सभी का सहयोग रहा और सबसे ज़्यादा सहयोग तो हमारे सभी दर्शकों का, माननीय जो प्राचार्यगण हैं और जो निर्णायक मंडल के दो ग्रुप बनाए गए थे, एक पहला जो है अंतिम चयन किया, कल इससे ज़्यादा कविताएं हमने कल सुनी थी और आज जो है
उन कविताओं को संचित करके आज सुना गया। तो एक बार पुनः जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन वाराणसी संभाग के जो है माननीय उपायुक्त महोदय और सहायक आयुक्त महोदय और सभी प्राचार्यों का और सभी प्रतिभागियों का और केंद्रीय विद्यालय संगठन सभी अधिकारियों कर्मचारियों और सभी का विद्यालय के इस विद्यालय के सभी शिक्षकों को जो है एक बार जो है पुनः आभार धन्यवाद। और आज के आज के कार्यक्रम को जिन लोगों ने भी सफल बनाने में अपना योगदान दिया है सभी को जो है हार्दिक जो है बधाई और उनको हृदय से जो है आभार और धन्यवाद। सभी को जो है शुभरात्रि। शुभरात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद संत को और विशेष रूप से प्रसाद जी को बहुत धन्यवाद। बाकी सबको धन्यवाद है ही सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रणाम सर। सर को बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत आपके निर्देश